खरगोन शहर के सीतामंगल भवन परिसर में जिला विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था के चुनाव आयोजित किए गए। LN मालवी के नेतृत्व में लगातार पांचवी बार 11 पदों पर निमाड़ी एकता पेंडल के सदस्य चुने गए। जीत के बाद सदस्यों ने विजेता पदाधिकारियों को पुष्पमालाएं पहनाकर मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी। इसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई और ढोल ताशों के साथ विजय जुलूस निकाला गया, जो सीतामंगल भवन से मुख्य मार्ग से गुजरा और कार्यालय पहुंचे। निमाड़ी पेंडल के LN मालवी राजेंद्र गीते FS खान ने बताया कि करीब 40 साल पुरानी संस्था में पारदर्शिता के लिए हर 5 साल में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। संस्था के 915 सदस्यों में से 640 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारी सहकारी साख जिला विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था है, इसमें हम हमारे सदस्यों को उनके आवश्यकता अनुसार आसान किस्तों में और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं तथा उनकी जमाओं पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से 3 या 4% अधिक ब्याज देते हैं। हमारी संस्था में वर्तमान में चुनाव में 915 मतदाता थे। हमारे यहाँ से संचालक के कुल 11 पद हैं, उसमें से एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, 2 पद महिलाओं के लिए है और शेष 8 पद अनारक्षित है, उसको सामान्य वर्ग में सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। इन पदों पर हमने हमारे उम्मीदवार उतारे थे और सामने वाली परिवर्तन पैनल ने भी उनके 11 उम्मीदवार उतारे थे। 6-7 दिन चुनाव प्रचार किया, हमारे संगठन के हमारे सदस्य सक्रिय कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान रहा कि आज हम पूरी 11 की 11 सीटें विन किए और ये हमारी लगातार पांचवी जीत है। हमारे पांचवी बार हमारे सभी सदस्य पूरे के पूरे विजयी हुए और हर 5 साल में इसके चुनाव निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशन में होते हैं। आज निर्विरोध अपना बिना किसी व्यवधान के सामान्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हम निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन अधिकारी तथा उनके मतदान दलों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न करवाया। आगामी नीति हमारे यहाँ जो ऋण सीमाएं हैं उनको हम 2 से 3 गुना तक एक बढ़ाएंगे और हमारे जो संविदा कर्मचारियों को हमने पिछली समय सदस्य बढ़ाया था उनको कम मात्रा में लोन दे रहे थे तो उनकी लोन की आवश्यकता के मद्देनजर उनकी भावना को विचार में लेकर उनके साथ भी अधिक मात्रा में ऋण देने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं आउट एजेंसी के हैं उनको भी संस्था में सदस्य बनाने हेतु हम पूर्ण प्रयास करेंगे और सदस्यों के लिए हमारी संस्था में लागू जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी राशि को हम 2 से 3 गुना वृद्धि करेंगे और कैशलेस बीमा पॉलिसी भी लाएंगे ताकि सदस्यों को उसका लाभ मिल सके और ब्याज दरों में ऋण की ब्याज दरें जो अभी वर्तमान में कम तो हैं फिर भी उसमें हम 2 से 3% की कमी करेंगे तो ताकि और किस्तों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि अधिक से अधिक सदस्य लाभान्वित हो सके। हमारे सदस्यों ने जो सहयोग दिया जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं और हमारी निमाड़ी एकता पैनल के सभी 11 उम्मीदवार आभार व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।